हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। नाउ फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालमपुर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय समिति ने जो है जवाहर नवोदय स्कूल विद्यालय की जो सिलेक्शंस के लिए 2020 के फॉर्म्स निकल चुके हैं, जो सिक्स स्टैंडर्ड के लिए या छठी क्लास बोल सकते हैं, जिसके लिए भरे जा रहे हैं। नवोदय पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि नेशनल एजुकेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है 1986 से चालू हुई है, जिसमें हम जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग अलग राज्यों से जो है हम बच्चों को या इसमें बच्चे लिए जाते हैं, जिनकी सिलेक्शन होती है। और उसमें जो है बच्चे वहीं पे स्कूल में पढ़ते रहते और खाते पीते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्कूल में क्लास में सिक्स स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, सिक्स के लिए जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इस बार 2020 के लिए, इसमें टोटल टोटल जो मैं आपको बताऊँ तो जो एजुकेशन स्कूल फीस है, इंक्लूडिंग बोर्डिंग लोडिंग यूनिफॉर्म टेस्ट, टोटल सम 600 रुपीज़ पर मंथ इसकी फीस आती है। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए जो है अपना या अपने फ्रेंड्स का जो है फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। आप जवाहर नवोदय विद्यालय की साइट पे आप विजिट करें और इसको फॉर्म को फिलअप करें। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। टोटल टोटल विद्यालय जो है एट प्रेजेंट 661, टोटल 661 विद्यालय इस वक्त हमारे 28 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज में हैं। तो इनके लिए ये सिलेक्शन की जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 13 जमा 2 हैं, असम में 27 प्लस 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 18 हैं। इसी प्रकार से अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो 12 स्कूल हैं इसके। अगर मध्य प्रदेश की बात करें की जाए तो 51 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि टोटल हो गए आपके 54 टोटल। तो इस प्रकार से ये स्कूल्स हैं। उत्तर प्रदेश में 76 हो गए। तो इस प्रकार से जो है इन स्कूल्स के लिए टोटल हम कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। एडिशनल जो एस्ट्रिक लगे हुए थे, ये जो मैं आपको बोल रहा था, जैसे कि ओडिशा में 30 प्लस 01 है, तो 01 जो वो SC ST पॉपुलेशंस के लिए लगाया जाता है, ये तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्कूल खोला गया है, तो इसके लिए है। और हिमाचल में ऐसा नहीं है, हिमाचल में 12 के 12 उसी कैटेगरी वाइज बांटे जाएंगे जो SC ST OBC के लिए। तो फ्रेंड्स, जवाहर नवोदय सिलेक्शन में जो है 2020 के लिए सबसे पहले ये दो फेसेस में होगा पेपर, जिसमें 11 जनवरी 2020 को एग्जाम होगा 11:30 बजे। जिन स्टेट्स का होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरीज एक्स्ट्रा। तो इस फेस में पहला फेस होगा जो 11 जनवरी को पेपर होगा। दूसरे फेस में 11 अप्रैल को एग्जाम होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और जो हमारे एक्सपेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो छोड़े हुए होते हैं हिमाचल के, जैसे कि आपके चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति,
के, तो उनका एग्जाम जो है वो 11 अप्रैल 2020 को होगा। इस फॉर्म को भरने की लास्ट अंतिम तिथि जो है वो 15 सितंबर है दोस्तों, तो 15 सितंबर से पहले ये फॉर्म जो है आप अपने बच्चों का, अपने दोस्तों का या अपने रिश्तेदारों का भरवा सकते हैं और भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसको अप्लाई करना कैसे है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि www.nvsadmissionclassesx.in पर आप विजिट करें और वहां से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें चाहिए क्या है, इसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर होते हैं, बच्चे का आधार कार्ड नंबर की आवश्यकता पड़ती है, इसमें एक फॉर्म भी फिलअप होता है, वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के स्कूल से 3rd, 4th और 5th क्लास का डेटा उसका कलेक्ट करना होता है। मैं इसकी फॉर्म की जानकारी भी आपको दूंगा। और ये अपलोड होते हैं सर्टिफिकेट, इसके बाद फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन, और लड़कियों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये फॉर्म। और ये जो फॉर्म है इसके एडमिट कार्ड या 1 दिसंबर तक आ जाएंगे या 1 मार्च तक, जो और सेकंड फेज के होते हैं। पहली फेज का 1 दिसंबर तक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, और दूसरा फेज के जो आते हैं कैंडिडेट्स उनका 2020 यानी कि मार्च में जो है एडमिट कार्ड आएंगे। और इसके रिजल्ट की जानकारी आपको किसी भी माध्यम से मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपको जो है इसका जो रिजल्ट होगा वो भी फेजेस में ही होगा। जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट है वो मार्च में मिलेगा और सेकंड फेज का जो रिजल्ट है वो मई मंथ में मिल जाएगा। ये आपको न्यूज़पेपर पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इसकी सिलेक्शन के बाद मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको मोर डिटेल्स में इसमें जाना हो, और इसमें एक सैंपल पेपर भी होगा बच्चों का, तो ये सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको हमारे इसी लिंक से जाके, तो आप इसमें जाकर आप डाउनलोड कर लें, तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक ये बता दूं कि इसको एग्जाम में क्या क्या बच्चों को आना है। तो देखिए, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि रीजनिंग के। टोटल मार्क्स 50 होंगे, 60 मिनट का पेपर होगा ये। इसके बाद अर्थमेटिक मैथ्स के होंगे, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से बच्चे को 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट्स के लिए करने हैं। लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, 30 मिनट के, टोटल 2 आवर का पेपर होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब मार्क्स का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन पूछे होंगे। इसमें अ सिंगल टेक्स्ट बुक कंप्राइजिंग ऑफ ऑल 3 सेक्शंस विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट। हर कैंडिडेट को अलग अलग कॉलम्स में ये तीनों सेक्शंस बांटे हुए होंगे। एडिशनल टाइम ऑफ 30 मिनट्स विल बी अलाउड फॉर डूइंग स्टूडेंट्स या डिफिकल्टी या एबल्ड स्टूडेंट्स जो है उनको ही 30 एडिशनल मिनट्स मिलते हैं जो हैंडीकैप में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से है, इसमें ओएमआर शीट दी हुई है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे मोर सेक्शन में से जाके आप वहां से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो इसका सैंपल पेपर है उसको डाउनलोड कर ले। तो फाइनली ये फॉर्म था जो मैं लास्ट में आएगा फॉर्म जो है, जो ये फॉर्म फिलअप स्कूल से करवाना है, जो फॉर्म भरना है वो 15 सितंबर से पहले पहले आपको भरवाना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप फिलअप करवाएं, और ये सर्टिफिकेट जब ऑनलाइन भर रहे हो तो फिलअप करवाएं। तो फ्रेंड, आज के लिए यही जानकारी थी, मैं कल के लिए आपके लिए नई जानकारी लेकर आऊँगा। आप मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई कमी आती है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।